आगे बढ़ेंगे परीक्षा अध्ययन में और हम बात करेंगे अध्याय एक के लघु उत्तरीय क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, लघु उत्तरीय के क्वेश्चन नंबर 4 तक का सॉल्यूशन हमने कर लिया था। लघु उत्तरीय क्वेश्चन नंबर 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, क्या दिया है, एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दे दिया है आपको, एलसीएम आपको 306 657 ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा जो हल है वो कुछ इस प्रकार होने वाला है। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है, क्या लिख देंगे, दिया है, और क्या दिया है आपको, तो एचसीएफ 306 और 657 बराबर 9 दे दिया है, और आपको एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम 306 और 657 बराबर ज्ञात करना है। लगा देंगे यहाँ पे फॉर्मूला। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, तो दो संख्याएं कौन सी है, तो दो संख्याएं देखो एचसीएफ 306 और 657 का दिया है, मतलब दो संख्याएं कौन सी हो जाएगी, 306 और 657, एच सी एफ इंटू एल सी एम। तो एच सी एफ तो आपको दिया है कितना, 9, लेकिन आपको क्या निकालना है, एल सी एम निकालना है, तो एल सी एम ऐसा कैसा रहेगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट स्टेप में आपने सीखा है कि भाई अगर इस तरफ कोई गुणित में संख्या है तो बटे में जाती है, या इस तरफ गुणित में होगी तो बटे में जाएगी। तो यहाँ पे 9 गुणित में आ रहा है एल सी एम के, और चूंकि हमें एल सी एम निकालना है तो जो 9 संख्या है ये चली जाएगी बटे में, तो हो जाएगा 306 और 657 बटे में 9 बराबर एल सी एम। तो 9 से आप इसको भी काट सकते हैं और इसको भी काट सकते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 3 27, देखो 3 बचेगा, 9 चौक 36, तो क्या आ जाएगा, 34 गुणित 657 बराबर एल सी एम। तो यहाँ पे इन दोनों का गुणा कर देंगे तो आंसर आएगा 22338 बराबर एल सी एम। तो फाइनल आंसर आपको इस प्रकार लिखना है, अतः एल सी एम 306 और 657 बराबर कितना हो जाएगा, 22338, और ये हो जाएगा आपके फाइनल आंसर। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, यहाँ से आप इसे नोट करेंगे। ये इसके बाद हम बात करते हैं इसके अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर छः लास्ट है लघु उत्तरी का, फिर दीर्घ उत्तरी प्रश्न आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या दिया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम भी ज्ञात कीजिए। तो जैसा कि आपको जो प्रश्न में सॉल्यूशन दिया गया है ये आपके बुक का एग्जांपल भी है, तो हम बुक के हिसाब से सॉल्व करेंगे, है ना। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले तो इनका निकालना है एचसीएफ, किसका, 96 और 404 का, तो निकाल लेते हैं। तो देखो एचसीएफ निकालने के लिए 96 से करने पड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 से करेंगे, 2 चौक 8, 1 बचेगा 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 3 6, 3 एकम 3। ठीक है, और जो 404 है इसके भी करने पड़ेंगे आपको, 2 दूनी 4 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, और 101 एक अभाज्य संख्या है तो एक ही बार में हो जाएगा। ठीक है, रख देते हैं इनके गुणनखंड इनके सामने, 2 कितनी, 1 2 3 और 4, 5 बार आया है, 1 2 3 4 और 5, यहाँ पे घातों के रूप में लिखना है आपको 5 बार, साथ में एक बार 3 भी आया है, तो गुणित में 3 की घात 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है 404, तो 404 में तो 2 गुणित 2 गुणित 101, कहने का मतलब 2 की घात 2 और 101। ठीक है, यही आया आपके। अब हम निकाल लेंगे इनका एचसीएफ, तो क्या हो जाएगा, एचसीएफ 96 और 404। तो एचसीएफ क्या होता है, तो मैंने आपको अभी बताया कि जो दोनों संख्याओं के गुणनखंड में आ रही हो। ठीक है, यहाँ पे जैसे 96 के गुणनखंड ये, 404 के गुणनखंड ये, तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे 2 की घात 5 है, यहाँ पे 2 की घात 2 है, तो देखो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी, बाकी तो 3 और 101 मैच नहीं कर रहे हैं, तब लेना कौन सा है, क्या वो 2 की घात 5 लेंगे क्या 2 की घात 2 लेंगे। तो जिसकी घात छोटी है वो एच सी एफ है, 2 की घात 5 और 2 की घात 2 में से ये छोटा है, मतलब 2 की घात 2, तो 2 दूनी 4, ये हो जाएगा आपके एच सी एफ। अब एच सी एफ आपके आ गया है, लेकिन हमें क्या करना है, एल सी एम ज्ञात करना है थोड़ी अलग मेथड लगा के। ठीक है, तो अलग मेथड कौन सी होगी, तो अभी हमने सूत्र लगाया था इससे पहले, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एच सी एफ इंटू एल सी एम। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, ये आपका रबर के, ये आपके साथ में नहीं लेना है। तो दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याएं कौन सी है, 96 और 404, तो यहाँ लिख देंगे 96 इंटू 404। ठीक है, और एच सी एफ की बात करते हैं तो एच सी एफ कितना निकाला हमने, 4 इंटू एल सी एम, तो आपको ज्ञात करना है। ठीक है,
अब यहाँ पे मैंने जैसे इससे पहले क्वेश्चन सेम किया था हमने कि भी चार इसके गुणित में आ रहा है तो गुणित की वाली संख्या बटे में चली जाएगी, तो 96 × 404 डिवाइड में क्या हो जाएगा, 4 बराबर क्या हो जाएगा, LCM। ठीक है, तो यहाँ पे 4 से इसको भी काट सकते हैं और इसको भी, तो ये थोड़ा आसान है, 4 × 4 0, 4 × 4 तो 96 × हो जाएगा 101, 80 इक्वल टू कितना हो जाएगा, LCM। ठीक है, तो अब इन दोनों का यहाँ पे कर लेंगे गुणा, तो जब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 9696 आपके आ जाएगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपको कुछ इस प्रकार लिखना है क्या, अतः LCM 96 और 404 इजिकल टू कितना है आपके, 9699 सॉरी 96, और ये हो जाएगा आपके इसका फाइनल आंसर। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ये आप नोट कर लीजिए यहाँ से, क्वेश्चन नंबर 6 ये और उसके बाद ये। ठीक है, तो ये है आपके अध्याय नंबर 1 के लघु उत्तरीय प्रश्न आपके फिनिश हो गए हैं। ठीक है, अगर आपको ऑब्जेक्टिव नोट करने हैं और यहाँ से अध्याय के ऑब्जेक्टिव ले सकते हैं। ठीक है, ये उसके बाद ये नीचे आंसर दिए गए हैं आपके, उसके बाद आपके फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, उसके बाद ये, फिर ये और फिर ये। ठीक है, उसके बाद तो आपके अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमने सॉल्व कर लिए हैं, लघु उत्तरीय हम कर चुके हैं। ठीक है, अब हमारे बचेंगे जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे, तो उनको हम करेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में सॉल्व। ठीक है गाइस, तब तक के लिए थैंक यू, और आप नोट करते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, समझते जाइए, कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करते रहिए। ठीक है गाइस।